आई वी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। जिलाधिकारी दीपक मीणा व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने थाना क्षेत्र मल्लीपुर के राप्ती बैराज और राप्ती नदी के किनारे तट पर बसे बाढ़ संभावित गांव का निरीक्षण किया। दरअसल पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश के पानी से श्रावस्ती जिले के अधिकांश स्थानों पर जलभराव की स्थिति के साथ साथ राप्ती नदी में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे राप्ती नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आज श्रावस्ती डीएम और एसपी ने राप्ती बैराज पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, साथ ही तट पर बसे गांवों का निरीक्षण किया। बाढ़ से निपटने हेतु राहत और बचाव के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। इस दौरान SDM जमुना राजकुमार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। कल अभी राप्ती नदी डेंजर पॉइंट से ऊपर बह रही थी रात में, लेकिन अभी लकली वो नीचे हो गई है। और लास्ट ईयर भी 10th-11th के अराउंड अगस्त में ये तबाही मचाई थी, तो हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर हैं इसके लिए। पूरी हमने प्री पोजिशनिंग कर ली है। दो नावें हमारी आ चुकी हैं फैजाबाद से, एक प्लाटून PAC हमारी आ चुकी है और कुल 18 चौकियाँ हम लोगों ने बनाई हैं। 101 गांव हमारे कुल होते हैं प्रभावित, जिसमें 5 थानों को मिला करके। और इस बार मैंने एक और अच्छी व्यवस्था ये करी है, बताना चाहूँगा कि हम ड्यूटियाँ 2 शिफ्ट में लगा रहे हैं। 24 आवर ड्यूटी लग जाती है एक दरोगा जी की, तो होता क्या है कि एक्चुअली फिर वो रहते नहीं है वहाँ पे। इसमें 12-12 घंटे ड्यूटी मैंने लगाई है और DM साहब से मैंने अनुरोध किया है कि वो भी जो ड्यूटी अपनी लगाएं बाढ़ चौकियों पे, वो 12-12 घंटे की लगाएं,